Hello, third class. This is your social studies. Today, I am going to start your new chapter in your SST book or your social studies book. Okay. As you can see on your screen, this is your social studies book. Okay, class third. Now, everyone has to open your social science studies book. Fine.

ओके okay? नाउ आपके सोर्सेस ऑफ फूड नीचे देखिए पहले क्या है ग्रेन्स हैं पल्सेस यानी दालें हमारी ग्रेन्स हमारे अनाज होते हैं एंड स्पाइसेस यानी मसाले एंड नेक्स्ट वन इज फ्रूट यानी हमारे फल एंड मिल्क बटर हनी एग आप लेते हैं ना सभी ये सभी हमारे फूड होते हैं और जो लोग सिर्फ ग्रेन्स और ये जो वेजिटेरियन खाना जो खाते हैं या मिल्क से बने प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको कहा जाता है वेजिटेरियंस और उन्हीं के कंपैरिजन में जो लोग मीट एग या फिश खाते हैं अपने खाने में उनको कहा जाता है नॉन वेजिटेरियंस ओके एज यू कैन सी बेटा ये आपकी कैटेगरी ऑफ फूड है जैसे आपके सेल्स में कौन कौन आते हैं पल्स में कौन कौन ये आपको पता होना चाहिए ठीक है तो हमारे सैरल्स क्या होते हैं सामने देखिए स्क्रीन पे लाइक हमारा गेहूँ वीट हो गया राइस हमारे चावल हो गया बाजरा भी आप खाते हैं मेज भी आपको मालूम है तो ये सभी हमारे क्या होते हैं फूड ग्रेन्स बोला जाता है इनको सैरल्स में आते हैं ये ठीक है और ये हमारी लार्ज क्वान्टिटी में नॉर्दर्न प्लेन्स में प्रोड्यूस किया जाता है इनको बोआ जाता है जहाँ पर लोग ज़्यादातर क्या क्या खाते हैं वीट खाते हैं या ज़्यादातर राइस खाते हैं और साउथ इंडिया और जो कोस्टल एरियाज में राइस सबसे ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पे ठीक है एंड नेक्स्ट वन इज योर पल्सिस पल्सेस क्या होती है हमारे एडिबल सीड्स होते हैं यानी जिनको हम खाते हैं जैसे हमारी दाल होती है ज्यादातर अरहर हो गया मूंग की दाल हो गई उरद की दाल एंड मसूर की मूंग मसूर वो ये दाल होती है हमारी जिनको हम बहुत खाते हैं ठीक है और जो हमें क्या बहुत सारी कंप्लीट डाइट के रूप में हमें ये फूड देती है अब जैसे हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एप्पल हो गया ऑरेंज लीची और बहुत सारे हमारे फ्रूट्स भी क्योंकि ये हमें क्या देते हैं फार्मर जो हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हर फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को बोते हैं और वहाँ से फिर एक्सपोर्ट होके हमारे पास और सीजनल अगर आप नेचर वाइज अगर जैसे मान लो अभी संतरे का सीजन है है ना तो हम संतरा ज़्यादा सा खाएंगे तो जो संतरा होगा वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी फूड होगा ओके एंड सम प्लेसेज आर द फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ़ किसके लिए स्पेशल फ्रूड लाइक जम्मू कश्मीर में हमारा फेमस एप्पल है नागपुर में ऑरेंजेस तो इस तरीके से हैं ये ठीक है नाउ नेक्स्ट वन इज योर ये और स्पाइसिस क्या होते हैं हमारे मसाले होते हैं ठीक है जैसे हमारे काली मिर्च हो गए टर्मरिक हमारी हल्दी क्लोव्स यानी लौंग ठीक है एंड कोरिएंडर सीड्स का होते हैं धनिया जो होता है ना हमारा क्योंकि हमारे ज़्यादातर हमारी जो स्टेट केरला है वहां से हमें ज़्यादातर मसाले मिलते हैं एंड एडिबल ऑयल जिनसे हमें तेल मिलता है जैसे हमारा नारियल तेल हो गया मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हो गया एंड सीसम ऑयल इनसे हमें कई बार क्या होता है हम ज़्यादातर काफ़ी लोग क्या होते हैं इनको कोकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग जो नॉर्थ के और ईस्ट इंडिया के क्या करते हैं मस्टर्ड ऑयल को भी यूज़ करते हैं विद द वाइल और जहाँ पर जो साउथ इंडियन के लोग हैं वो क्या कोकोनट और ग्राउंडनट ऑयल को यूज़ करते हैं कुकिंग में ओके एंड डेयरी प्रोडक्ट डेयरी क्या होता है बेटा जो हमारे दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट है घी हो गया हमारा बटर है या पनीर है इन सभी को बोला जाता है डेयरी प्रोडक्ट जो हमारे हर पार्ट में हर देश के हर हिस्से में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे डेयरी प्रोडक्ट्स नेक्स्ट वन इज़ योर मीट मीट हमारा मैंने अभी बताया था आपको मटन हो गया फिश हो गया चिकन हो गया यानी ये हमारे जो फूड किससे मिलते हैं हमें एनिमल से मिलते हैं जिनको जो लोग इनको खाते हैं उनको बोला जाता है नॉन वेजिटेरियंस ठीक है एंड नाउ रीजनल एंड ओकेजनल रीजनल का मतलब क्या होता है जो हमारे रीजन के अकॉर्डिंगली लाइक like हमारे यहाँ ज्यादातर गेहूँ बोला जा बोया जाता है तो हम ज्यादातर गेहूँ को यूज़ करेंगे खाएंगे हम ठीक है इस तरीके से यानी एज अ स्पेशल डिश डिश मानी जाती है जैसे वड़ा पाव महाराष्ट्र में फेमस माना जाता है ढोकला गुजरात में सांभर इडली कौन तमिलनाडु में तो इस तरीके की इनके कि रीज रीजनल फूड हो गए एंड ओकेजनली क्या होता है कि ओकेजनली जैसे हाँ हमारे हाँ हम जैसे अपने होली के त्यौहार पर हम गुजिया बनाते हैं सेवियाँ भी अपने त्यौहार पर हर कोई तो ये हमारे ओकेजनल यानी हम हर त्यौहार पर स्पेशल क्या माना जाता है जिसको हम हमेशा हर त्यौहार पर खाकर उसको यूज करते हैं ठीक है और इसी के साथ बच्चे हमने ये आपके स्क्रीन पे आपको न्यू वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना नीचे ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं हैं न्यू टर्म्स जिनको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और साथ में लर्न भी करेंगे एंड आपको ये आपके स्क्रीन पे आंसर्स दिखाई दे रहे हैं यहां से आप अपने आंसर्स कंप्लीट करेंगे फाइन यहां भी है आपके ट्रू एंड फॉल्स इसको भी आप कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक्स में ओके